हेलो भाई, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से देखकर पता कर लिया है कि मैं अभी हूँ उधना रेलवे स्टेशन। और उधना रेलवे स्टेशन काफ़ी यार, इतने सारे लोकेशन पे मैं गया। एक माता वैष्णो देवी कट रहा इस रेलवे स्टेशन पे गया, और फिर एक उधना रेलवे स्टेशन आया जो कि सूरत के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे भी आए तो यार काफ़ी मस्त नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के प्लेटफार्म की जो सफाई है आप देख सकते हैं, बैक में कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। तो बैक में अभी देखिए, आपको यहाँ पे खाने पीने की वस्तु है और टिकट काउंटर भी दिखाएंगे, और कितने नंबर तक प्लेटफार्म है वो भी दिखाएंगे। थोड़ा उधना जहाँ पे लिखा हुआ आता है उस साइड में देखे होंगे, हर एक रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ आता है उधना, बलिया, गाजीपुर, हाजीपुर, ऐसे अनेकों, मतलब जहाँ पे भी रेलवे स्टेशन है उसका नाम लिखा हुआ आता है। तो वहीं पे फिलहाल हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक जो पहले आप थंबनेल देखे थे उसी को क्लिक करने। ठीक है, तो अभी देखिए एक रेड रेड ट्रेन लगी हुई है, पता नहीं खाली बोगी है यार, इसमें तो इंजन है ही नहीं, पता नहीं। तो चलिए अब दिखाते हैं, यहाँ की जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे एक नल है, अभी तो मैं वैसे भी नल से थोड़ा हाथ मुंह धो लिया, लेकिन वो बैग में था। इससे भी थोड़ा देख लेते हैं कि पानी नहीं आता है कि नहीं उधना रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि कितने जगह होता है कि लगा रहता है लेकिन पानी नहीं आता है, आ रहा है। चलिए उधना रेलवे स्टेशन का कुछ इस प्रकार से फंट जो दिखाया जा रहा है। देखिए उधना इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है। ये हर एक जगह देखता हूँ, इसको देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीन चार लैंग्वेज में इसलिए रहता है क्योंकि बाहरी के जो कौन सा लैंग्वेज रहता है यार, उर्दू था। ठीक है, यही था ना। तो देख सकते हैं रेलवे लाइन से ही तो, और अनेकों ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि गुजरात का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है एक उधना रेलवे स्टेशन, क्योंकि सूरत से करीब 6 किलोमीटर के अंतर्गत में आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे लाइन से हट के यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखिए इस साइड है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, ठीक है, और इस साइड है 4 नंबर और 3-2-1 उसके बाजू में। वहाँ पे भी चलेंगे और दिखा देंगे इशारे से करके, लेकिन अभी हम 4 और 5 पे। ठीक है, और यहाँ पे नल सब कुछ बिल्कुल सबसे यहाँ की बढ़िया बात सोचा जाए तो देखा जाए तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने वाली जो सामग्री है ना वो रेलवे स्टेशन से बाहर ही सेलिंग होती है। लाइन की बात की जाए, पटरियों की बात की जाए, देखिए वहाँ पे देख सकते हैं कि अनेकों पटरियों की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कम से कम 15-20 प्लेट मिलेगी रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, और यहाँ से सूरत की दूरी बता दें तो सूरत की दूरी करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से सूरत, और सूरत रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन नहीं है तो यहीं से अभी सुबह का 9 या 10 बजकर 16 मिनट तो देख सकते हैं कोई भी ट्रेन की यात्रा नहीं है, ओनली दिखाई दे रहे हैं जो जिस ट्रेन से जाएंगे। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर पे हम आ रहे हैं, और आगे एक मेमू ट्रेन दिख रही है जिसका लगी हुई है 1 घंटे से आ रही है, खड़ी हुई है, लेकिन इसको कोई लेकर जाने वाला है ही नहीं, मतलब कहीं से ड्राइवर वगैरह सब लोग हैं शायद इतने में लगे हुए हैं। और इस साइड देख सकते हैं एक मालगाड़ी लगी हुई है, चलिए अब दिखाते हैं कि वो क्या होता है। मुझे ना ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा है, उसके बारे में दिखाते हैं। देखिए 4, चलिए इसको आप लोग क्या समझते हैं, एक बात बताइएगा, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो सीक लाइन, तो ये हमें जहाँ तक पता है वो हम बता रहे हैं कि इसमें देखिए इंजन की मरम्मत होती है। जब भी देखा जाए तो हम जब भी रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तो उसमें देखते हैं कि मरम्मत होती है, तो बस उसी का मतलब एक रेलवे मतलब ट्रेन का इंजन होता है ना उसी का मरम्मत होता है। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे बहुत हो गया, थोड़ा चलते हैं सीढ़ियों से देखते हैं। ये देखिए प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3, 4 तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं इसी से, तो अभी 4, 5 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से। सीढ़ियों से चलने के बाद देखा जाएगा कि किस प्रकार से दिख रहा है उधना रेलवे स्टेशन का लुक। सो आप इसी तरह वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, दिखाते हैं एक बार ऊपर से लुक, और थोड़ी देर में चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे कि लिखा हुआ था कि सिर्फ दिव्यांगों के लिए है, तो दिव्यांगों के लिए जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे भी चलेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जिट गेट भी है प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3 तक जाने के लिए रास्ता, और 4, 5 पे मैं हूँ ही। तो बाहर से कुछ निकलने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ओवरब्रिज से कुछ लुक इस प्रकार का है। अब यहाँ से दिखाते हुए अपने धीमी धीमी कैमरों से चलते हैं हम डायरेक्टली कहाँ पे, तो लिफ्ट की मदद लेने, क्योंकि लिफ्ट पे कुछ जानकारी आपको बतानी है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्लाइम में कुछ और लिखा रहता है, लोग कुछ और करते हैं। चलिए चलते हैं लिफ्ट के पास जहाँ से कि लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिफ्ट केवल दिव्यांग एवं सर्वश्रेष्ठ नागरिकों के लिए है, उत्कृष्ट नागरिकों के लिए है, लेकिन ये सभी लोग यूज करते हैं। चलिए भाई लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसी चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे। आ चुके हैं भाई बलिया, अब थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा दूर दूर तक जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा फंसे हुए थे। चलिए बाय बाय।